hello dear students welcome to my channel zia tutorial in this video we are going to solve part 8 from question number 1 from exercise 4.1 from class 10th quadratic equation which is the name of this chapter from ncert mathematics so let us begin with this question uh, part 8 in which an identity is going to be used uh, which is a minus b whole cube you must know about this identity which is equals uh, equal to a cube plus sorry minus b cube minus 3ab a minus b so this identity will be used to simplify this expression and we have to check whether this equation is a quadratic equation so let us begin so here we can say uh, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा ये सब एज इट इज़ रहने वाले हैं क्योंकि कोई भी लाइक like टर्म्स नहीं है ठीक है नाउ मुझे इसको सिम्प्लीफाई करना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी सो वट आई विल डू हियर एज आई विल सिंप्लीफाई यूजिंग दिस आइडेंटिटी एज आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ ए एक्स माइनस टू मतलब यहाँ पे ए जो है वो असल में ए एक्स है और बी जो है वो टू है यानी यहाँ जो ए बी है वहां पर मैं x और 2 को रख कर सिम्प्लीफाई करूँगा तो ए क्यूब जो कि x क्यूब होगा b क्यूब जो कि 2 का होल क्यूब होगा माइनस थ्री ए बी और a माइनस बी तो आपने देखा मैंने इस तरह से इस आइडेंटिटी के इस्तेमाल को यहाँ पे लिख लिया है देन अगेन हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कर सकते हैं आगे एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा टू का होल क्यूब मतलब एट होता है और थ्री टू जिक्स एक्स आ जाएगा और एक्स माइनस टू यहाँ पर रहेगा अभी यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते लेफ़्ट साइड में तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं सबको देन नाउ वी कैन सी हीयर सिक्स एक्स जो है एक्स माइनस टू से मल्टीप्लीकेशन में है तो सिक्स एक्स इंटू एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा सिक्स एक्स टू से मल्टीप्लीकेशन में तो है पर यहाँ माइनस है और यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और सिक्स टू ज ट्व एक्स हो जाएगा नाउ वी कैन सी हेयर इफ आई ट्रांसपोज ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड तो क्या होगा दे विल चेंज देअर साइन तो एक्स क्यूब और ये जो एक्स क्यूब है प्लस का है यहाँ पर आके एक्स क्यूब माइनस में हो जाएगा मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ ताकि लाइक टर्म्स को एक तरह एक तरफ एक, एक साथ लिख सकूँ तो फोर एक्स स्क्वायर यहाँ देखूँगा मैं एक स्क्वायर सिक्स एक्स है तो ये माइनस का है प्लस हो जाएगा और माइनस एक्स यहाँ पर था और ये ट्वेल्व एक्स है लाइक टर्म्स में तो ये माइनस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव है और प्लस वन यहाँ पे बचा हुआ है और ये माइनस का एट जब इधर आएगा लेफ़्ट में तो ये प्लस हो जाएगा जब यहाँ से मैं सारे टर्म्स को ट्रांसपोज कर सका हूँ तो व्हाट विल रिमेन हियर ज़ीरो विल रिमेन सो आई विल सी देट दिस टू टर्म्स आर द लाइक टर्म्स एंड दे विल कैंसल आउट दे विल इक्वल टू ज़ीरो और जीरो को लिखा नहीं जा सकता लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है ज़ीरो का तो हेयर uh, यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और सिक्स माइनस फोर तो टू एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि सिक्स पड़ा है और ये पॉजिटिव है तो प्लस आएगा प्लस को शुरुआत में ना दिखाएँ तब भी वो अंडरस्टेंड होता है कि ये प्लस ही है ये दोनों माइनस हैं माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं पर साइन को दिखाया जाता है तब भी माइनस लिख कर तो ये दोनों ऐड होके थर्टीन एक्स हो जाएगा क्योंकि बारह और एक तेरह होते हैं ये दोनों ऐड हैं तो ऐड ऐड एड ही हो जाएंगे तो एज इट इज़ और यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसको रिलेट करूँगा कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स विच इज़ द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ जो डिग्री है यानी एक्स वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल हो रहा है इस इक्वेशन में तो इसकी डिग्री यानी हाइस्ट पावर जो है टू है इट मीन्स यस दिस विल शो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी हैव टू विच वी हैव टू टेल वेदर दिस फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट सो दैट्स व्हाई आपने देखा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसे रिगार्डिंग कोई भी सवाल अगर बीच में कहीं भी आपको समझ ना आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई चैनल एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़